फिर से सामने आ रही है, जहां स्ट्रॉन्ग सिस्टम से प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। एमपी के 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, एमपी के 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम से प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर, जहां आपको बता दें कि मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी आपको बता रहे हैं। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हरदा, गुना, अशोकनगर में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भोपाल समेत 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी आज के लिए जारी की गई है। तेज बारिश के चलते सिवनी के स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। मंगलवार को सिवनी में 9 घंटे में 6.3 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर सामने आ रहा है, जहां एमपी के 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम से प्रदेश में भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर सामने आ रही है। लगातार मॉनसून एक्टिव मोड में है और स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वही बात करें तो एमपी के 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में भी रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हरदा, गुना, अशोकनगर में भी तेज बारिश हो सकती है, यह अनुमान लगातार जताया जा रहा है। भोपाल समेत 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।